Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं आशीष चंचलानी वाइंस की न्यू वीडियो होली रिटर्न्स. आशीष चंचलानी, आई नो मैं ये होली के बाद बना रही हूं, बट आशीष भैया की वीडियो है, कभी भी एंजॉय कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है, मतलब इसमें जो कुछ भी दिखाया उसे प्लीज रियल लाइफ में ट्राई ना करें, वरना आपकी जान और जेब दोनों को खतरा होगा. और हाँ, ये पीछे जनरेटर की आवाज को इग्नोर करो, हमारे इधर लाइट गई हुई है. कपड़े आज उसके माथे पे गुलाल के बदले सिंदूर लगा दो, फिर वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी. मैं आ रहा हूँ. कांता कांता, अरे वाशु, तुझे कैसे पता चला मेरा डिवोर्स हो रहा है? डिवोर्स ही हो रहा होगा ना बेटा, तभी तो तू इतना बन छन के अपने बाप की दूसरी शादी पे जा रहे है ना. अरे नहीं मम्मी, एक्चुअली मैं होली मनाने जा रहा हूँ. जूमिया प्ले बॉल, लेट्स प्ले होली. होली? अरे वाह, मेरा राजा बेटा होली खेलने जा रहा है. लेकिन बेटा कुछ मिसिंग नहीं है, है ना? तू एक काम करना, जूते भी नए पहन ले, नई घड़ी पहन ले, मैं अपने जेवर देती हूँ, कंगन देती हूँ, कंगन पहन के जा. सीमा तेरा मेकअप कर देगी, पूरा लुक हो जाएगा बेटा. अरे क्यों मजाक कर रही है मम्मी? तो मजाक शुरू कैसे किया? मैंने किया? इतने नए कपड़े पहन के तुम्हें होली खेलने जा रहे, शर्म नहीं आती? अरे हमारे घर पे तो पैसे पेड़ पे उगते, ये डायलॉग नहीं मारूंगी. हमें तो भगवान जीपे से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करता है ना. नल खोलती हूँ तो 20 के सिक्के निकलते हैं ना. कार की डिक्कियों में 5,000 के नोटों की गड्डिया होती है ना. 5,000 का कौन सा नोट होता है? तो हमारे पास भी कौन सी कार है बेटा? चुपचाप ऑप्शन दिखा दू. ठीक है यार मम्मी, एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट. ये अभी तो लिया चार महीने पहले. अरे तो सब अभी लिया है, तो क्या पहनू मम्मी? चार जन्म पहले. कुछ और निकाल, निकाल कुछ और निकाल. एक काम करता हूँ, ये पापा की पुरानी शर्ट पहन दो. ठीक है, ये अभी तो लिया. अरे ये कैसे अभी लिया है? तो पापा की पुरानी शर्ट है. ये कैसे अभी लिया है मम्मी? ये शर्ट पुरानी कितनी है? 15 साल. तुझे पापा ने कभी दी? सुबह. तो अभी तो लिया ना, 4 घंटे पहले. मम्मी एक काम करता हूँ, मैं दादाजी की, बाबा आदम के जमाने की चूहे खाई हुई सूट पैंट पहन के जाता हूँ. ठीक है? तू क्या राजा मौली के साथ ऑस्कर पे होली खेलने जा रहे है, जो सूट पैंट पहन के जाएगा? कुछ और दिखा. ये पहन के जाऊँ मम्मी? अभी तो लिया. हाँ, मालूम है अभी लिया, मैंने बोला अभी नहीं लिए. हाँ अभी लिए, लेकिन मम्मी ये सिर्फ 100 रुपए की है. 100 रुपए? 100 रुपए की कीमत मालूम है तुझे? अरे जब तेरा बाप तेरी उम्र का था, उसने तेरे छोटे चाचा को 100 रुपए के लिए बेच दिया था. मम्मी आपने कभी बताया नहीं मेरे छोटे चाचू थे. तूने कभी अपने छोटे मामा के बारे में सुना है? अच्छा, तो मामा के साथ क्या हुआ था? उन्हें क्या सॉक्स या रुमाल उमाल के लिए बेच दिया था क्या? चुप कर! सॉरी मेरे 100 रुपए वाले चाचू, अब इसका बट्टा आराम करो. ये पहन के जाऊं? ये वैलेंटाइन्स में काम आएगा बेटा. ये पहन के जाऊं? ये तेरी शादी में हल्दी में काम आएगा बेटा. ये पहन के जाऊं? ये तेरे बच्चों के स्पोर्ट्स डे में काम आएगा बेटा. अरे तो एक काम करता हूँ, ये बनियान पहन के जाता हूँ मम्मी, बनियान पहन के जाता हूँ. अरे खराब हो जाएगा, धोने के बाद भी हफ्ता हफ्ता कलर नहीं निकलेगा. अरे तो होली के बाद बनियान फेंक दूंगा ना. मैं बनियान की नहीं तेरी बात कर रही हूँ. ये ले ये पेन. ये कब की टी शर्ट है मम्मी? ये तेरी 1 साल पुरानी टी शर्ट है. 1 साल पहले तो मैं इतना नहीं था. अरे जब तू 1 साल पुराना था तब की टी शर्ट है ये. अच्छा, कहाँ पहनू मम्मी ये? अरे पेट अंदर करके पहन बेटा, हिम्मत तो कर. ठीक है मम्मी, तू कहती है तो पहनता हूँ. पहन पहन. नाना बेटा तू ये नहीं पहन सकता. अच्छा क्यों मम्मी, मैं ये क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि अभी अभी तो ये नया पोछा बना है, कुछ पुराना पहनना. पोछा पहना रही थी, मेरे को होली खेलनी नहीं है. अरे अरे बेटा नाराज नहीं होती बेटा, बेटा माँ बैठी है ना, मैं तेरी मदद करती हूँ. मैं कुछ सोचती हूँ. सोचो सोचो क्या पहनाएंगी इसे अब. पत्ते खाने जो है वो भी चला जाएगा. लेजेंड्स. मैं हूँ बियर मैग्रिल्स और मैं देश की सबसे रंगीन फेस्टिवल होली पे बड़े बड़े खतरों का सामना करता हूँ, जहाँ जिंदा रहने से जुड़ी तकनीकें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है. मैं ऐसा जोखिम फिर कभी नहीं उठाऊंगा. आज मैं आपको दिखाऊंगा कि होली के इस जंगल में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं. मैन वर्सेस होली विद बियर मैग्रिल्स. बियर
मैन वर्सेस होली के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आपको भिन्न भिन्न प्राणियों की MMS दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा। ओह माय गॉड, वो देखिए हमने हमारी सबसे पहली प्रजाति को स्पॉट कर लिया है। ये है होली किंगडम के एम्फीबियंस, क्योंकि ये रंगों वाले दिन भी पानी वाली होली खेलते हैं साले। कईयों का तो ये मानना है कि ये प्रजाति पैदा ही इसलिए होती है ताकि दूसरी प्रजाति के लोग इन पे कलर लगा सके। अरे ये वो रफ बुक है जिसे सारे नर्ड्स अब्यूज करते हैं। अरे ये वो तौलिया है जिसे सब अपना बदन पोंछते हैं। अरे ये वो खुली सड़क है जिसमें हर कोई मूत के जाता है यार। ओ माय गॉड, अबे स्टीवन स्पीलबर्ग कैमरा उधर करना, कितने रिएक्शन दूं देखना। इस कंक्रीट जंगल में हमें दूसरे जीव के दर्शन भी हो गए। ये है होली किंगडम के कार्निवोरस एनिमल्स। ये नर अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। अरे अगर इन लॉन्डो को साथ खड़ा कर दो तो दुनिया वालों को बेशरम रंग दिख जाए। इन लॉन्डो को साथ खड़ा कर दो तो रेनबो ब्रिज बन जाए। अरे इन लोगों को साथ खड़ा कर दो तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी कलर हो जाए। ये खूंखार प्राणी धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं और इस शिकार को इस भाग की ठरक तक नहीं है, सॉरी, इस शिकार को इस बात की भनक तक नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। और ये आदमखोर प्राणी ने इन्हें दर्पण से गबोच लिया है और ये क्लीन बोल्ड और ये मैच की समाप्ति होती है। गर्दन से गबोच लिया मैंने। ये जंगल के कीचड़ में कमल कहां से खिल गया। ये है मादा प्रजाति जो लुखे लौंडे आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाते, वो भी होली के दिन निकलते अपने गुफा से इनको रंग लगाने के लिए। वैसे तो पूरा साल मेकअप से होली मनाती है, लेकिन आज के दिन अगर चेहरे पे दो बूंद पड़ जाए तो इनके स्किन के डाइटिशियन को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि इनके सपने में डोरमामू आके मुजरा करता है ना। अगर अभी जाके इनके मुंह पे हरा रंग लगा दूं ना, मैं ऐसा झापड़ खींच के मारेगी। लेकिन उसी की जगह अगर मैंने धनिया पाउडर की पूरी बोरी इनके सर पे उल्टी कर दी तो मुझे कहेंगी, ओ भैया थैंक यू सो मच फॉर द हर्बल कलर्स। इसीलिए इन्हें हर्बीवोरस प्रजाति भी कहा हर्बीवोरस। अब मैं आप सबको मिलाने वाला हूं दुनिया के सबसे विचित्र जानवरों से। पर्सनली ये मेरी सबसे फेवरेट प्रजाति है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे हार्मलेस प्रजाति है। और ये है भांग पीने वालों का झुंड। ये होली किंगडम के ओमनीवोरस एनिमल्स है, क्योंकि नशे के चक्कर में ये हर जगह ओमनी प्रेजेंट रहते हैं। भांग पीने के बाद ये हर मल्टीवर्स में होली मनाते हैं। आज अगर आपको ये होली के गाले में दिखेंगे तो कल किसी बहते नाले में मिलेंगे। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? 25 साल। आप रहते कहाँ है? 6:30 बजे। कितनी भांग पी है? दादर स्टेशन। ये साल का इलेक्शन कौन जीतेगा? दाल चावल। देखा आप लोगों ने, इनके जवाब में इतना दम था कि मुझे मेरे सवाल ही गलत लगने लगे। ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली। राकेश खन्ना, योरसेल्फ। सेक्टर 4 के इस खूंखार इलाके में आप बच के रहिए, क्योंकि कोई भी जानवर कभी भी आपकी मिर्ची चबा सकता है। अरे अगली प्रजाति मिल गई। आई आई आई, कौन है भैया? ओ भाई साहब, होली किंगडम के कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ दिखने में खतरनाक होते हैं, एक्चुअली खतरनाक नहीं होते। इनफैक्ट ये तो बेचारे रंग पीड़ित प्राणी है। मैं आपको बताऊं कैसे। 8 साल पहले एक रंगबाज आदमी ने नीले कलर में केरोसिन मिलाकर इन पर लगा दिया। कलर तो हफ्ते में निकल गया, लेकिन केरोसिन इन पर रह गया, इसलिए आज तक ये ऐसे ही दिखते हैं। हकीमों की माने तो ये कलर अब सिर्फ जलाने के बाद ही निकलेगा। आइए इस भद्दे से जानवर से कुछ बातें करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? अवतार। काम क्या करते? ब्लू फिल्म में काम करते। क्या? अरे मतलब एनिमेशन वाली फिल्म होती है ना, उसमें ब्लू स्क्रीन लगती है, ग्रीन स्क्रीन लगती है, पूरा दिन रुकना पड़ता है। अच्छा अच्छा, पैसा कितना कमाते हो? 50 रुपया। 50 रुपया दिन का? ये मेरा कलर उतरेगा कि नहीं? अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रजाति से मिलाने वाला हूँ जो इस देश की नहीं, इस दुनिया की सबसे खतरनाक प्रजाति है। ये होली किंगडम के एपेक्स प्रेडेटर्स है, प्रेडेटर्स। अरे आतंकवादी भी इन लोगों से डरते हैं। डायनासोर की पीढ़ी को खत्म करने वाले लोग यही थे। अरे इनकी वजह से हमारे देश में हॉरर फिल्में बनना बंद हो गई है, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। ये है, नहीं ये नहीं, ये है हमारे ओहो भाई, सिल्वर कलर, सिल्वर सर्फरों का झुंड। इन लोगों ने जो हमारे देश में दहशत फैला के रखी है होली पे, लोगों ने होली खेलना ही छोड़ दिया है। अगर सेंसस की माने तो इनसे ज्यादा घटिया, नीच, वाहियात, जाहिल, चोर, छपरी, पान की चमकीली टपरी कोई नहीं है। ये साले बाबा इलायची के दानों ने हमारे देश का नाश करके रखा है। अरे मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि बर्तन। अरे बापरे, अरे बापरे, अरे भागो। अरे मिलते हैं मैन वर्सेस होली के आपके लिए अगले एपिसोड में। तब तक आप बन रहे और अपने साफ सुथरे घर वालों को इन जानवरों से दूर रखें। साइको दोस्त।
है? मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं अभी आ गया हूँ। अब तू कभी ना नहीं पाएगा। तू कॉल कर रहा है? क्या कर? हेलो। आज होली है। मुझे तो मालूम ही नहीं था भाई, हैप्पी होली। अरे मेरी होली तो तब हैप्पी होगी जब तू मेरे हाथों में आएगा। यार जादू, तू हर होली ऐसी अजीब बातें क्यों करता है यार? इट्स सो वियर्ड, आई डोंट नो। याद है 18 मार्च 2003 1:13 पर जब हम 4th स्टैंडर्ड में थे, तूने मुझे पानी मारा था। यार पानी तो मारा था, बॉटल के साथ मारा था। यार बॉटल ही तो मारी थी, बॉटल कांच की थी। यार कांच ही तो मारा था, इतना क्या बुरा मान रहा है यार? उस दिन के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, घर छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए। जब इतना कुछ छोड़ ही दिया तो पुरानी बातें भी छोड़ देना भाई। इतने सालों से मेरे सीने में इंतकाम की आग उबल रही है। तो इनो ले और 6 सेकंड में काम खत्म कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? उस दिन के बाद से मैं पागल हो गया हूँ, पागल। अरे हेलो हेलो साले, तू 4th स्टैंडर्ड से नहीं, तू पैदाइश ही पागल था। ये तो अच्छी बात है, मैंने कांच की बोतल तेरे सर पे फोड़ी, सोचा ठीक हो जाएगा, साला और पागल हो गया। इस सारे बेरोजगार मेरे को ही मिलने थे। हट, कांच की बोतल। हेलो, डू यू फील वेट इनफ बेबी? अरे यार जादू, तू मेरे क्यों पीछे पड़ा है? छोड़ दे यार। ऊपर ही बैठा हुआ। योर नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है जादू? तूने अभी तक ग्रामर नहीं सीखा? यू आर नेक्स्ट होता है, योर नेक्स्ट नहीं। मैं क्या करूं? तेजाब, एसिड। अबे साले पागल आदमी, तेजाब क्या? फेंक के मारे दिमाग खराब हो गया क्या? ये तेजाब नहीं, मेरा पेशाब है। 4th स्टैंडर्ड से मैंने पेशाब नहीं किया, आज के लिए, ताकि मेरा पेशाब जैसा तेजाब तुझे जला दे। मुझे कुछ नहीं मार सकता। भाई साहब अटैक। ये बॉम्ब्स हैं फुगे। उसमें पानी था क्या? था। अबे क्या दिमाग दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गुब्बारे में क्या आइडिया डाल के फेंक रहे? क्या है, क्या है? तू क्या डार्क नाइट का जोकर है? क्या होता साल? अरे खोलो, अरे ताल दे रखे होगा भाई। चुप रे, सुसुर क्या करता है? जा उसको काट। हे भगवान, उनको तालाब में भिखवा दिया। एक साल बाद नंबर। हेलो, डू यू फील
feel dry enough, baby. जिंदा है आशीष, जिंदा है. ओ टाइगर जिंदा है का रेफरेंस, वाओ. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम गीला होने वाला है. मम्मी मम्मी सुनामी आने वाली है, घर खाली करो मम्मी. स्कूल हाँ स्कूल में जो बहुत चेकिंग आकर पटियो क्या ये पानी सर पानी स्कूल में पानी भी नहीं आता कि पढ़ाई करने आता है तो क्या कहा था मैंने होली के दिन में स्कूल में ना पानी अलाउड है ना पानी की बोतल सर प्यास से मर जाऊंगा मैं सर अरे अफ्रीका में गरीब बच्चे अपने आंसुओं से नहा रहे हैं और तू प्यास जैसी फालतू चीज के लिए पानी वेस्ट कर रहा है गेट आउट कैसा नॉट अलाउड ओए ये क्या है सर मेटल डिटेक्टर वाटर डिटेक्टर ओहो कुछ तो है अंदर ये क्या है सर आपने बोला था पानी का बोतल मत लाना मैं पानी को भूखे भर के लेके आ गया अच्छा सर वैसे भी मैं स्कूल का मोटो है ना बैन प्लास्टिक बैन के भाई ये क्या लोहे का बना हुआ है क्या बात कर रहे हो ये प्लास्टिक होता है मेरे को मालूम नहीं था सर वैसे भी ये स्कूल कहाँ अच्छा पढ़ाता है सर कॉमेडी कर रहा है हुई 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 कमेंट करूं हा? अगले एक साल तक सारा बाथरूम स्कूल का तू ही साफ करेगा समझा बिना पानी के सॉरी सर गेट लॉस्ट कह रहे शाहरुख जैकेट बन गया क्यों सर आज कितनी ठंडी है सर ए देदास नंगा हो चल लगता है सर आज मूड में ए छी कौन ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं हट अबे तेरी तो पूरी दुकान बन गई ए रुक साला सुसाइड बॉम्बर आ गया अबे तू कौन है बे स्कूल में रंग बेचने आया क्या सर शक्ल पे क्यों जा रहे हो अबे तेरी शक्ल पे जाता तो टमाटर और अंडा छोर बोलता मैं तेरे को बोला मैंने नहीं ना बैग किधर तेरी ये क्या सर ये बैग ये बैग है क्या है इसमें बुक्स अबे तुम जैसे लोग ही आगे चल के देश में नकली नोट छापते हो जा तो चेक भी नहीं करूंगा मैं जा कभी पानी भी नहीं देखा होगा जिंदगी में ए बॉडीगार्ड आ गया सुसु कर गया जा इधर से सुसु अरे नहीं सर मेरा दिल भरा हुआ है ओ दिल भर चल बैग दिखा सर सर ये मैं पिचकारी नहीं नहीं सर ये पिचकारी नहीं है ये असली बंदूक है झूठ बोल रहा है सर मम्मी कसम ये असली बंदूक है पिचकारी से मैं पिचकारी लाऊंगा अभी देखता हूँ ये चलेगा बेटा पिचकारी नहीं सर गुड बॉय ओबीडियंट स्टूडेंट गो गो फुल मार्क्स हां ए सुनो रे स्कूल वासियों आज स्कूल में पानी का नामो निशान तक नहीं है अगर तुम में से किसी के पास भी एक बूंद पानी निकला ना मां कसम सूखे स्विमिंग पूल में डुबा डुबा के मारूंगा समझे अबे असली बंदूक ले आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पिचकारी नहीं लाना अरे भैया और डेजर्ट पूरे स्कूल में 10-10 कोस तक पानी नहीं है ये साला स्कूल है कि रेगिस्तान 10 कोस का स्कूल है जादू मुझे पानी चाहिए मैं मर जाऊंगा भगवान अगले जन्म मुझे ऊंट बनाना ताकि ये दिन ना देखना पड़े देखना एक दिन यहां से पानी निकलेगा धरती माँ हमारी मदद कर सकती है About 71% of the Earth's surface is water. 60% of human body is made up of water. आज ब्लू है पानी पानी सर सर बाजू water. अरे आग लगी है आग क्या अरे बाप रे आग लगी है क्या करेंगे आग लगी अरे फायर होस चालू करो फायर होस पानी नहीं है स्कूल में तो पानी नहीं है टंकियां खाली पड़ी है तो यार हेलो रमेश अरे स्कूल में आग लगी पानी का टैंकर पे जल्दी अरे तुमको क्या तंदूर होना है अबे निकलो बाहर बाहर जाओ जल्दी करो क्या करो निकलो यार पानी में है तो नहीं अंदर
अजीब आ गया यार, सिर्फ धुआं निकल रहा है, गर्मी नहीं हो रही है। ये है, कल हम स्कूल में होली मना कर रहेंगे, वो भी पानी के साथ। पानी के साथ? अरे वो जल्लाद प्रोफेसर स्कूल में ह्यूमिडिटी नहीं रहने देता है, तू पानी कैसे लाएगा अंदर? पानी मैं नहीं लाऊंगा, पानी वो जल्लाद लाएगा, वो भी स्कूल के अंदर। वो कैसे? सर को बोल आग लग गई। सर आग लग गई? अबे क्या दिल में आग लगी है क्या? अच्छी तरह चिल्ला के बोल सर आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, सर आग लग गई। अरे स्कूल में आग लगी, पानी का टैंकर पे जल्दी। खुद ही पानी ले आ। वीडियो खत्म एंड आशीष सर की वीडियो होली पर ना आए तो यार होली ही अधूरी अधूरी लगती है ना। मतलब सीरियसली यार कितना बड़ा प्लान किया है इन लोगों ने, जस्ट उन्हें स्कूल में होली खेलनी थी वो भी पानी से, है ना, इसलिए सीरियसली वो धुआं फैला रहा है, टिफिन बॉक्स में कोयले लेके आए एंड जस्ट दिस सीन के लिए, इस एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ठीक है, सभी ने जिसके भी दाढ़ी मूछ इतनी बड़ी बड़ी थी सबने अपनी बियर्ड तक सब शेव कर दी। इवन मतलब पहले तो मैं सच बताऊँ तो जादू को पहचान ही नहीं पाई कि हाँ ये जादू है। क्लीन शेव, ओ माय गॉड। लेकिन तब भी लग रहा था कि हाँ स्कूल के बच्चे हैं, इतना एफर्ट डाला इन्होंने जस्ट एक पार्ट क्रिएट करने के लिए, है ना। लाइक आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ मतलब स्कूल लाइफ वीडियोस देखी होंगी, स्कूल की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया कि हाँ दाढ़ी मूछ हटा दी हो, एकदम बेबी फेस बना के बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के गए हों, ऐसा लग रहा हो स्कूल के बच्चे। बट यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा था कि हाँ भैया स्कूल के बच्चे हैं, दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं रहनी है ना, नो स्टाइलिंग, नो नथिंग, ठीक है। तो वो दिख रहा था काफ़ी अच्छा ये पार्ट था। एंड वो एक कपड़े वाला पार्ट वो मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा भैया, मतलब उसमें तरह तरह के ये होता है मम्मियाँ हर एक कपड़े में, भैया निकालेंगी वो 15-20 साल पुराना कोई एक कुर्ता निकालेंगी, टॉप निकालेंगे जो घिसे से घिसा हुआ हो, है ना, कि हाँ ये पहनो इसमें रंग लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसको बच्चे की टी शर्ट ला के दे दी, ये पहन बेटा जो तू एक साल का था तब का है। और वो मुंडी में डाल रहा, उसका हाथ भी नहीं जा रहा उधर, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं भैया कि तुम नए कपड़े पहन के निकल जाओ, है ना, नए नए अभी कल ही में परसों में लाए हो वो कपड़े पहन के तुम निकल जाओ रंग वंग खेलने, है ना। तो ये चीज़ है भाई, एक सेपरेट जोड़ा तो हम लोग का हमेशा रहता है कि हाँ रंग खेलने के लिए ये वाली टी शर्ट हर साल निकलेगी, है ना। तो किस किस के घर में ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। और वीडियो का रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और वरना आपसे होली का वैसा ही बदला लिया जाएगा जैसा कि यहाँ पर जादू ने नहीं लिया, उसके सर पे कांच की बोतल मारी गई थी ना, भैया तुम्हें तो फुग्गे मारे जाएंगे वो भी गंदे वाले कलर के, है ना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।